क्या आपने कभी देखा है चोलिस्तान में रेगिस्तान में एक मेला जहाँ पे बहुत सारे लोग दुनिया भर से आते हों और उस मेले को एंजॉय करते हों? नहीं देखा ना, तो फिर आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ चनन पीर मेला जो बहावलपुर के करीब रेगिस्तान में लगता है। तो जनाब, चूंकि रास्ता काफी लंबा है यानी 65 किलोमीटर दूर है, तो फिर रास्ते में कुछ बातें करते जाते हैं और आपको बताती हूँ इस चनन पीर मेले की आखिर तारीख क्या है, लोग इतनी दूर दूर से इस मेले में क्या देखने आते हैं और ये मेला किन लोगों के लिए ज्यादातर तवज्जो का बाइस बनता है। चनन पीर फेस्टिवल या मेला जो हर साल फरवरी से स्टार्ट होता है और मार्च तक जारी रहता है, बहावलपुर से 65 किलोमीटर दूर चनन पीर के मज़ार पर लगातार 7 जुमेरातों को मनाया जाता है। पांचवीं जुमेरात सबसे ज्यादा मकबूल होती है और इस दिन मकामी तातील भी की जाती है। दूर दूर से लोगों को ये मेला अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इस मेले में शिरकत के लिए चोलिस्तान के साथ साथ बहावलपुर डिवीजन के दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और अब ये जनूबी पंजाब का मकबूल तरीन मेला बन चुका है। इस तकरीब में हिंदू और मुसलमान बराबर के शरीक होते हैं। इस मौके पर खुसूसी बाजार लगाए जाते हैं जबकि सकाफती म्यूजिकल शो, थिएटर, झूमर, सर्कस, मैजिक शो, ऊँटों के रक्स और मौत का कुआं जैसे कई इवेंट्स इसमें पेश किए जाते हैं। चनन पीर के बारे में रिवायत है कि वो जैसलमेर के राजा के यहाँ पैदा हुआ था। इसकी पैदाइश पर इनके मुसलमान होने की पेशन गोई की गई थी तो राजा ने इसे सहरा में फेंक दिया था। ये बच्चा बच गया और पेश गोई के मुताबिक मुसलमान हो गया था, तभी से इस सहरा में ये मेला मनाया जाता है इसी वाक्य की याद में। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारी गाड़ी को रोक लिया गया था और कहा था कि आगे मत जाएं, आगे मेला है, काफी रश है, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा आगे जाने दें, हमने जस्ट वीडियो बनानी है। तो फिर उन्होंने हमें आगे जाने की इजाजत दे दी, उनका बेहद शुक्रिया। तो व्यूवर्स, हम लोग आ चुके हैं मेला चनन पीर में और अभी मैं आपको ये सारा इसका व्यू करवाऊंगी कि यहाँ पे किस किस चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं, ये मेला जो है कहाँ कहाँ से लोग देखने आते हैं, और इन सब के इंटरव्यूज़ भी पेश करूँगी और जो जहाँ पे मेन मज़ार है चनन पीर का वहाँ भी आपको लेके जाऊँगी। ये देखें जी, ये एक मिठाइयाँ टाइप कोई चीज़ है, हमने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी। ये क्या चीज़ है? ये मिठाई है, क्या नाम है इसका? बर्फी कहते हैं इसको, बर्फी कहते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड फील हो रही है जैसे कि मखाने होते हैं। ये देखें, चीनी की बनी हुई है। ये देखें जी, ये चीज़ तो हमने मिश्री टाइप भी की कुछ नज़र आ रहा है बीच में, और ये फर्स्ट टाइम हमने चीज़ देखी है, शायद आपने भी फर्स्ट टाइम देखी हो। अगर किसी ने ये पहले देखी भी है तो काइंडली वो मुझे बताए। ये देखें, ये भी देखें, ये मिठाई है जी, यहाँ पे इसको मिठाई कहा जाता है। क्या आपने ये मिठाई देखी है? अगर कभी आपने ये देखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इसको। और देखें व्यूवर्स, ये स्टॉल लगाए गए हैं इन्होंने मखानों के, और ये बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही हैं। जलेबी है जी। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे कब से ये स्टॉल लगा रहे हैं? ये 10 साल हो गए। 10 साल यहीं पे स्टॉल लगाते हैं? हर साल मेले पे लगाते हैं या अमूमन? अच्छा, मेले पे लगाते हैं, मुकम्मल 10 साल पूरा लगाते हैं। पूरा साल लगाते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? करोड़ पक्का से स्पेशली आते हैं यहाँ पे? हाँ, रिहायश इधर करते हैं। अच्छा, रात को यहीं सोते हैं? रात को यहीं सब। अच्छा, तो ये देखें व्यूवर्स, ये देखें, ऑलमोस्ट एक ही तरह की हर उस पे चीज़ें हैं, बस हर एक का प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। जलेबियाँ भी पड़ी हुई हैं और ये जनाब पकौड़े समोसे आ गए हैं, और हर तरह की देखें कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी आपको। इस मेले में आने के लिए आपको जो रास्ता था वो मैंने आपको बता दिया है। ये देख सकते हैं कि पूरा एक बाज़ार, पूरी एक मार्केट लगी हुई है, गन्ने का जूस भी यहाँ अवेलेबल है, और देख सकते हैं आपके लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। चूँकि हर जुमेरात होता है तो फिर हर कोई फैमिली जो है ना वो डिसाइड कर लेती है कि इस जुमेरात को हम जाएंगे, जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हम इस जुमेरात को जाएंगे। आप ये देखें, ये एक और तरह की, ये सादी मिठाई है, इसको भी बर्फ़ी बोलते हैं। तो बहुत वैरायटी है यहाँ पे इस तरह की चीनी की मिठाइयों की, जस्ट चीनी है इसमें। ये खिलौनों की शॉप आ गई है, और ये देखें जी, किसी ने शॉप पूरी बनाई हुई है और किसी ने
स्टॉल लगाए हुए हैं। और ये देखें जी, ये वुड के, ये देखें जी वुड का टॉय है, ये वुड के बने हुए हैं। और बाकी ये देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी चूड़ियाँ इतनी खूबसूरत यहाँ पे हैं, इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, चूड़ियाँ बेच रही हैं। कैसे हैं, क्या रेट है इनका? कोई 80 रुपए को, 100 रुपए दर्जन, 150। अच्छा, आप हर साल यहाँ आती हैं मेले में? तू भी आ जा। मैं भी आ जाऊँ, मैं भी मेला देखने आ तो गई हूँ। चूड़ी भी पहन लो। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं हमारे। कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? हैदराबाद। अच्छा, माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी। ये देखिए जी, अब हम ये जो मज़ार है उसके अंदर हम जा रहे हैं। ये छोटा सा गेट है और ये यहाँ पे देखें, ज़ायरीन के लिए बहुत सारे स्टॉल्स मैंने आपको दिखा दिए। अब ये गेट के अंदर हम जा रहे हैं जहाँ पे मज़ार है। और ये देखें जी, हम मज़ार की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और बहावलपुर जिन लोगों का आना हुआ होगा, उन्होंने तो देखा होगा ये मज़ार है, मेला चन्नन पीर जहाँ पर लगता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी, मज़ार के अंदर ये सारी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ मज़ार बना हुआ है। उसके बाद हम अंदर भी जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको मज़ार वाली जगह भी दिखाऊंगी। ये देखें कितने सारे ज़ायरीन हैं जो कि अंदर जाकर जूता नहीं पहना हुआ, फर्श बहुत गर्म था, लेकिन फिर भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, और जब वो अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती हैं तो फिर यहाँ पर आके चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। तो ये देखें जी, ये अंदरूनी मंज़र है मज़ार का, और कितने सारे ज़ायरीन यहाँ पर दुआ के लिए आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सा एक गुंबद बनाया गया है, चनन पीर को यहाँ पर मदफून किया गया था। ये देखें जी, एक और साइड पे ये एक गेट बनाया गया है जहाँ पे ये एक और मार्केट है, और यहाँ पे भी हर तरह की आपको चीज नजर आएगी। खाने पीने का सामान भी है, बच्चों के टॉयज ज्यादा हैं, क्योंकि ये जो दुकानदार तबका है वो आवाम की कमजोरी जानता है कि बच्चे साथ आएंगे और बच्चे उनसे लाजमी लेंगे, खिलौनों की डिमांड करेंगे, इसलिए वो खिलौने ज्यादा रखते हैं। इनके पास भी वुड के टॉयज भी पड़े हैं, और ये देखें कि बहुत खूबसूरत इनके पास बच्चों के खिलौने हैं, बहुत रंगीन और खूबसूरत बने हुए हैं। ये देखें, बहुत प्यारा, ये आप देख सकते हैं। कितने का है बाबा जी? 100 रुपए का। ये सारे 100 रुपए के? अच्छा जी, ये रेट इनका 100 रुपया है। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीसीज हैं, इन्हें आप घर में भी रख सकते हैं। यू कैन सी, तो जी ये हमने सोचा कि एक सौगात के तौर पे चीज ले लें, तो ये हमने से 100 रुपए में परचेज किया है। यहाँ भी जी, ये बुट के बने हुए ट्रक नज़र आ रहे हैं आपको। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत ट्रक बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके पास भी चीनी की बनी हुई ये मिठाई है, इसको मिठाई बोलते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? इरफान। कब से आप ये स्टॉल लगा रहे हैं? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल मेले में आके लगाते हैं या पूरा महीना आप लोग लगाते हैं? सिर्फ मेले में। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन का मेला चलता है, 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए। आज कौन सा दिन है? आज जुमेरात। नहीं, आज कौन सा, तीसरा, चौथा? चौथा दिन है। चौथा दिन है, यानी कि पहले 3 दिन तो ज्यादा रश होता होगा ना। तो ये मिठाई कैसे बनाते हैं आप लोग? ये कारखाने में बनी हुई लेके आते हैं। अच्छा, बनी हुई लेके आते हैं। क्या रेट है इस मिठाई का? 240 पर केजी, 1 किलो। अच्छा, ये देखें जी, ये पूरे पैकेट भी बना के रखे हुए हैं कि आप ये पूरा पैकेट लें। इसमें आपको खजूर भी मिलेगी, छुहारे हैं, और ये मखाने, और ये भी, और अगर आप अलहदा से लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। और सामीन, ये वो जगह है जहाँ पे लोग जो मन्नतें मान के जाते हैं कि हम बकरा ज़िबा करेंगे अगर हमारा ये काम हो जाए, या हम मुर्गी ज़िबा करेंगे। ये देखें, आपके सामने ज़िबा किया जा रहा है, क्योंकि ये मन्नतों वाली जगह है, तो यहाँ पे लोग मन्नत मानते हैं, फिर आके पूरी करते हैं जब उनका ये काम अल्लाह के हुक्म से हो जाता है। आंदा है काले मोती ने किनो वाल्ट का जूस पी के याद करते लोग।
ये देखें जी, यहाँ पे होटल बना हुआ है छोटा सा। जाहिर है इंसान जब घूमता है फिरता है धूप में तो उसे प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। तो ये देखें जी, एक होटल है, यहाँ पे बैठ के आप धूप से बच भी सकते हैं और प्यास लगी हो तो पानी भी पी सकते हैं, शरबत भी पी सकते हैं, जूसेस भी अवेलेबल हैं, खाना भी खा सकते हैं। और नाज़रीन, ये जो मेलों और ठेलों के बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है एक ढोल बजता हुआ वो तो यकीनन बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं इस मेले के भी बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए ये ढोल वाला मौजूद है। और मज़े की बात ये है कि मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए किसी भी बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें जी, तंदूर पे आपको रोटी लगाना दिखा रही हूँ। ये मेला चनन पीर में तंदूर लगा हुआ है, जहाँ पे ये ताज़ी रोटी की खुशबू की क्या बात होती है, ये देखिए क्या बात है जी, कितने एक्सपर्ट होते हैं ये तंदूर वाले। क्या बनाया हुआ है आपने? शीफ बनाया हुआ है। ओके, ये देखिए साथ में तंदूर की ताज़ी रोटी है। और ये देखिए जी, आगे उस मार्केट के आगे एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर बहुत सारे झूले लगाए गए हैं और करीब करीब देहातों के बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर इस मेले को एंजॉय करते हैं, झूले लेते हैं। और ये मेला हर साल यहाँ पर फरवरी और मार्च में मनाया जाता है, 7 जुमेरातें इस मेले की लगाई जाती हैं। और जनाब, मैं इसकी वीडियो बनानी भूल गई थी। जब हम वापस आ रहे थे तो उन खवातीन ने मुझे पकड़ लिया, चूड़ियों वाली ने, और कहा कि अब हमसे लाजमी ये चूड़ियाँ खरीद के जाओ क्योंकि तुमने हमारी वीडियो बनाई थी, तो इसलिए चूड़ियाँ लाजमी खरीदो। तो मुझे ये चूड़ियाँ अच्छी भी लगी और मुझे ख़रीदनी पड़ी। और जनाब, इसके बाद हमारा हो गया वापसी का सफ़र शुरू। गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई थी, पहले हमने सोचा था कि ये भी लाइफ एडवेंचर बाइक पर किया जाए लेकिन यहाँ पर आकर हमने महसूस किया कि हमने काफ़ी अकलमंदी का मुजाहिरा किया है क्योंकि बाइक पर तो शदीद गर्मी लगती और ये काफ़ी ज़्यादा दूर था और हमारा तो हशर नशर हो जाता, इसलिए हमने गाड़ी को ही घर में डिसाइड किया कि गाड़ी पर जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी बचत हो गई। तो ये वापसी के मनाजिर आपको दिखा रही हूँ, लोग अभी आना शुरू हुए हैं, गाड़ियाँ भर भर के आ रही हैं। और अच्छा हुआ कि हमने पहले से वीडियो बना ली क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा लोग यहाँ पे आते जाएंगे। और यहाँ पे ऊँटों का रक्स वगैरह 10 किलोमीटर दूर आगे होना था क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी और खुली जगह की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम नहीं गए थे। और ये देखें जी, वापसी का मनाजिर हैं, कुछ लोग वापस जा रहे हैं जो हमारी तरह सुबह ही आ गए थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग आपको रास्ते में नज़र आएंगे, ट्रॉलियां भर भर के लोग आएंगे और इस मेले को एंजॉय करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग अभी भी आ रहे हैं चनन पीर की तरफ, और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाने हैं। तो जनाब, ये था आज का लाइफ एडवेंचर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करते जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।